हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक वीडियो एक ऊपर स्वागत है। चलिए आज एक किचन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट की जो है अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। वो उसके बगैर तो किचन अधूरी है, यानी कि वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, लगभग घरों में पाया भी जाता है। और जो प्रोडक्ट मैंने मंगाया है उसकी छोटी छोटी चीज़ों को जरूर देखेंगे कि उसे मंगाते समय कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। चलिए तो इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इसके बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर रख लें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज और रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए तो इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। भाई पैकिंग तो अमेजोन वाले इस तरीके से करते हैं जैसे इसके अंदर कोई गोल्ड का आइटम हो। इतनी सेफ्टी से तो सुनार भी नहीं देता। बहुत ही अलग तरीके से पैकिंग करते हैं। खैर, काफ़ी सेफ्टी से करते हैं और यही बात अमेजोन वालों की अच्छी है कि उनकी पैकिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है, यानी उनका प्रोडक्ट डैमेज होने के चांस कम होते हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेप वेप लगा के ये तो देते हैं। इसको खोलने में लगभग आपको 15 मिनट लग जाएगा। चलिए तो फाइनली ये खुल ही गया और इसके अंदर निकला हुआ है चॉपिंग बोर्ड। चलिए इसे एक तरफ फेंक देते हैं। बहुत ही मजबूत है, इसका वजन भी लगभग 500 ग्राम है, यानी काफ़ी हैवी है। और इसकी थिकनेस भी अच्छी है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में है ये। इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी है और इसका साइज़ भी काफ़ी अच्छा है। ये फुल साइज़ का है, वैसे इसमें एक स्मॉल और मीडियम साइज़ के भी आते हैं, 100-100 रुपए का, उन दोनों में अंतर है। इसका साइज़ जो है 34x24 सेंटीमीटर का, यानी 34 सेंटीमीटर ये लंबा है और 24 सेंटीमीटर चौड़ा है। और इसमें हैंगिंग हैंडल भी दिया गया है, ये भी इसकी बहुत अच्छी खासियत है। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें जो काटने का सरफेस दिया वो बिल्कुल अलग कलर में दिया गया। जब भी आप चॉपिंग बोर्ड खरीदें तो अच्छी थिकनेस में ही खरीदें, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। यानी कि बिल्कुल जो है आपको चिकना सरफेस इसका मिलेगा, इसकी वजह से इसे धुलना बहुत आसान हो जाएगा। और जो जिसमें दाने टाइप के होते हैं उसको धुलने में बहुत बड़ी समस्या होती है, इसीलिए आप लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड हमेशा खरीदें। ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलेगा और बहुत ही अच्छा चलेगा। प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड में क्या होता है, वो दाने दे देते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड में कभी कोई भी चीज़ रखते हैं तो सरक जल्दी जाती है, इसलिए प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड को धुलने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और इसे मैंने अमेजोन से जो 440 रुपये में परचेज किया, यानी इसकी कीमत 440 रुपये, जिसमें मुझे 75 रुपये जो कैशबैक भी हो गया। और इसका हैंगिंग हैंडल भी काफ़ी स्मूथ है और यह चॉपिंग बोर्ड दिखने में भी बहुत लोकेटिव है। चलिए तो इस पर कुछ काट कर देख लेते हैं। चलिए इस पर प्याज काट लेते हैं, इसको जल्दी से छील लेते हैं। यह बहुत ही परफेक्ट चॉपिंग बोर्ड है। और इसका जो बीच का सरफेस दिया गया है वो कटिंग के लिए दिया गया है, और इधर उधर का जो वेस्टेड दिया गया है, यानी कि बीच में जो है आप इसको काटिएगा और किनारा जो है इसका बिल्कुल अलग कलर में कर दिया। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत लगी। इस चॉपिंग बोर्ड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चॉपिंग बोर्ड खरीदते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लकड़ी का चॉपिंग बोर्ड खरीदते हैं तो उसकी जो थिकनेस है यानी कि मोटाई है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरे प्रेशर से उस पर कोई ना कोई चीज़ काटेंगे। दूसरी बात, चॉपिंग बोर्ड का सरफेस जो चिकना होना चाहिए, यानी वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसे धुलने में बहुत समस्या हो सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि चॉपिंग बोर्ड का जो साइज़ है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि एक स्मॉल साइज़ में आता है, एक मीडियम साइज़ में आता है और एक बिग साइज़ में आता है। जो भी आपको साइज़ की ज़रूरत है आप उसी साइज़ में चॉपिंग बोर्ड मंगाएं। चौथी चीज़, चॉपिंग बोर्ड में किसी प्रकार की पॉलिश नहीं होनी चाहिए, यानी कि उस पर किसी प्रकार की पॉलिशिंग से फिनिशिंग नहीं होनी चाहिए, वो प्योर लकड़ी का ही होना चाहिए। उम्मीद है कि आप चॉपिंग बोर्ड खरीदते समय इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।